नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम क्रैकर में। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट Tier 3 इंटरव्यू से रिलेटेड, आप लोग का रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैटर है, जो कि आप लोग के क्वेश्चन 100% बन सकता है इंटरव्यू में, तो ये हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसका आप लोग को नोट्स भी बना लेना है और इस वीडियो को दो बार देख लीजिएगा, एक बार नहीं दो बार देख लीजिएगा, और इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। मैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, सारे पॉइंट्स आपको दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 100% बन सकता है, ठीक है? क्योंकि ये रिलेटेड टू आप लोग का IB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, तो इससे रिलेटेड आपको पूछा 100% जा सकता है। तो ये अभी हाल फिलहाल का ही घटना है, तो इसके बारे में आपको पहले भी बहुत पता होगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, थोड़ा सा इसके पूरा आगे पीछे हम लोग पूरा देखेंगे कि क्या आपका इसका पूरा का डिटेल्स हम लोग देखेंगे आगे पीछे। तो बेसिकली आप लोग का Tier 1 और Tier 2, आप लोग का Tier 1 तो ख़त्म हो चुका है, Tier 2 का आप लोग का प्रिपरेशन साइड बाई साइड चल रहा है, Tier 3 का भी आप लोग का वीडियोज़ डेली जो है वो डल रहे हैं, ठीक है? तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो आप लोग का है पुलवामा अटैक से रिलेटेड। पुलवामा टेरर अटैक जो आप लोग का रिसेंटली हुआ है 14 फरवरी 2019, 14 फरवरी 2019 को रिसेंटली आप लोग को पुलवामा में अटैक किया गया है पाकिस्तान के एक जैश ए मोहम्मद की पार्टी के द्वारा। तो ये जो पार्टी के द्वारा जो जो टीम के द्वारा जो अटैक किया गया है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि पुलवामा में ये जो खतरनाक अटैक हुआ है ये कब हुआ था और कैसे हुआ था, और इसका अंजाम देने का कि कौन से क्या क्या इनको इनके पीछे किस आदमी का हाथ था, और ये सब हम लोग देखेंगे। और उसके बदले इंडिया ने उरी 2.0, मतलब आप लोग का जो सर्जिकल स्ट्राइक जो है 2.0 जो है 2.2 सेकेंड सर्जिकल स्ट्राइक जो है एयरफोर्स के जो अपने एयरफोर्स है इंडियन एयरफोर्स उन्होंने किया है, तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इंडिया ने क्या किया और कितने उसमें घायल हुए हैं, कितने लोग को नुकसान हुआ है, और कितना क्या चीज़ किया गया है इंडिया के द्वारा। तो बेसिकली मैं ये चीज़ बता दूं आप लोगों को, ये जो पुलवामा अटैक है ये पाकिस्तान की तरफ से बहुत ही बेकार बोल सकते हैं, बहुत ही बेकार हरकत है, बहुत ही गिरी हुई हरकत है, क्योंकि ऑलरेडी एक बार हो चुका है, उसके बाद इसको पाकिस्तान को इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए था, और ये पड़ोसी देश है और पाकिस्तान को इंडिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए बेसिकली, क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जो पाकिस्तान को बहुत हेल्प कर सकता है हर चीज़ों में, लेके हर चीज़ों में देखा जाए तो पाकिस्तान को इंडिया बहुत हेल्प कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान अपना जो इमेज है वो इंडिया के सामने गिराते ही जा रहा है। तो इस चीज़ को आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पाकिस्तान की बात किया जाए तो पाकिस्तान में अगर बात आए तो पाकिस्तान के PM और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, ये दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान के PM हो जाते हैं इमरान खान, और आप पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन हो जाते हैं? आरिफ अलवी। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हो जाते हैं आरिफ अलवी, और पाकिस्तान के PM हो जाते हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं, प्रधानमंत्री हो जाते हैं इमरान खान। ये आप लोग को पता होना चाहिए एकदम क्लियरली, ठीक है? अब आ जाते हैं हम लोग इसके ऊपर, हम लोग कि ये अटैक हुआ कैसे था। तो बेसिकली आप लोग के जो है एक जो ये जम्मू कश्मीर, आप लोग का जम्मू कश्मीर में ये श्रीनगर के पास आप लोग का पुलवामा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है वो आप लोग के जम्मू कश्मीर श्रीनगर के 40 किलोमीटर दूर श्रीनगर से आप लोग का पुलवामा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। एक चीज़ आप लोग को और पता होना चाहिए, यहाँ पे दाल लेक है जो कि बहुत बड़ा सा लेक है, एक जो बहुत बड़ा सा झील है, दाल लेक भी आप लोग का जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो ये जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है इसमें आप लोग का जो है एक बस जा रही थी, कौन सी बस? उसमें CRPF के जवान बैठे हुए थे। CRPF का फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जो जवान हैं वो उस बस में जा रहे थे, कॉन्वॉय भी बोल सकते हो, बस भी जब बोल सकते हो, बस में CRPF के जवान जा रहे थे उसमें। उसके बाद क्या होता है, एक कार आती है आप लोग की, एक कार जो है इस बस को टकराती है, एक कार जो है बस को टकराती है, कार में जो है 300 किलो के लगभग एक्सप्लोजिव रखे हुए थे, और ये कार कुछ और कार नहीं टाटा सुमो थी, 300 किलो की एक्सप्लोजिव रखे हुए थे, और इसने जो है बस को टक्कर मार दी, और बस को टक्कर मारने के बाद बस का हालत इससे पहले वाले पिक में आप लोग देख ही सकते हैं कैसे हो गया है। तो टोटल आप लोग के कितने 44 जवान शहीद हो गए इसमें, 44 CRPF के जवान जो हैं इसमें शहीद हो गए थे, शहीद नहीं बोलेंगे इसमें मारे गए थे, लोग बोल रहे हैं शहीद होने में आप लोग का और मारे गए में डिफरेंस है, लेकिन मेरे हिसाब से तो शहीद ही हुए हैं, क्योंकि शहीद चाहे आप लड़ते हुए हो या आप लोग देश के लिए काम कर रहे हैं, तो आप कभी आप लोग का ऐसे भी हुआ, मतलब इनडायरेक्टली आप लोग का जो है आतंकवादी के अटैक से जो हुआ है तो उसमें जवान शहीद ही होते हैं एक तरफ से बोला जाए तो। मेरे हिसाब से उनको शहीद का वर्ड यूज़ करना चाहिए उनके लिए, ठीक है? क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में उनको उनके लिए तो मेन मेन ये चीज़ मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि लो जो कार है वो घुसी कैसे, क्योंकि जब भी आप लोग का ये
सीआरपीएफ की इतनी सारी जवान जो एक बस में जाते रहते हैं, तो रोड को चेक किया जाता है, एक्सप्लोजिव को चेक किया जाता है, हर कार को आसपास हर चीज़ को चेक किया जाता है। इतना तैनात करने के बाद भी अगर ऐसा चीज़ हो रहा है तो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी तो है इसमें कि कैसे ये घटना घटी है। अब इससे रिलेटेड आप लोग को क्या क्या जानना है, ठीक है? आप लोग को इसमें सबसे मेन इंसान जो है वो हो जाते हैं आदिल अहमद दार। कौन हो जाते हैं? आदिल अहमद दार। आदिल अहमद दार जो हैं वो आदिल अहमद दार जो हैं ये एक शख्स हैं जो कि आप लोग के, ये एक शॉकिंग न्यूज़ मैं आप लोग को बता दूं, आदिल अहमद दार जो हैं वो आपके जम्मू कश्मीर से ही हैं, और जम्मू कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में काकापोरा करके एक तहसील है, काकापोरा करके एक तहसील है, उधर ही है वो आप लोग के आदिल अहमद दार। लेकिन इनको जो है जैश मोहम्मद नाम की एक कमेटी ने, जैश मोहम्मद की एक टीम ने उनको एक उनको उनको एक चीज़ सिखाया होगा, उनको उनको बताया होगा कि उनको मतलब ट्रेनिंग दी है उनको, जैश मोहम्मद जो टीम है उन्होंने इनको ट्रेनिंग दिया है आदिल अहमद दार को। और जैश मोहम्मद ने खुद ये बयां किया है कि आदिल अहमद दार उनके ट्रेनर हैं, उनको उन्हीं को उनको ट्रेनिंग जो है जैश मोहम्मद ने ही दिया है। और जैश मोहम्मद के जो जो स्टार्ट किए हैं जैश मोहम्मद को, उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। जैश मोहम्मद जो ये पार्टी है, जो आतंकवादी पार्टी है जैश मोहम्मद, ये स्टार्ट हुआ था आप लोग का मार्च 2000 में। कब हुआ था इसका? जैश मोहम्मद का स्टार्ट हुआ था 2000, सन 2000 में जो है जैश मोहम्मद आप लोग का स्टार्ट हुआ था। और उसको स्टार्ट करने वाले कौन थे? तो इनका नाम हो जाता है मौलाना मसूद अजहर। मौलाना मसूद अजहर, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। और ये मौलाना मसूद अजहर जो हैं उन्होंने जैश मोहम्मद स्टार्ट किया 2000 में, और जैश मोहम्मद जो हैं इन्होंने कहा है आदिल अहमद दार जो हैं उन्हीं के आदमी हैं, ये एकदम क्लियरली जैश मोहम्मद एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है? ये सब होने के बाद एक चीज़ मैं और आप लोग को बता दूँ, इससे रिलेटेड एक चीज़ और है कि उरी की जो मूवी है आप लोग की, उरी का अटैक हुआ था आप लोग का, ये उरी का अटैक हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक जो उरी का अटैक हुआ था, ये सब आप लोग का हुआ था 2016 में, 2016 में हुआ था। उसमें कितने टोटल सोल्जर शहीद हुए? उसमें हुए टोटल 19 सोल्जर जो है मारे गए थे, 19 सोल्जर उसमें मारे गए थे उरी का अटैक होने के बाद 2019 में। 11 जनवरी 2019 को उरी की मूवी रिलीज़ हुई, 11 जनवरी 2019 को उरी की मूवी रिलीज़ हुई, और 14 फरवरी को ये अटैक हुआ है पुलवामा में। पुलवामा में ये अटैक हुआ, उरी की मूवी में ये दिखाया गया है, जो भी दिखाया गया इससे हो सकता है कि उनको रिएक्शन हुआ होगा और उनमें जो गुस्सा है वो पनप गया होगा, वो गुस्सा के लिए उन्होंने 14 फरवरी को फिर से अटैक किया। और फिर उसके बाद इंडिया ने उसका मुंह तोड़ जवाब क्या दिया है, इसको हम लोग देखने वाले अभी। तो ये सारे कुछ कुछ तथ्य हैं कि इसका जो टाइमिंग है ना पुलवामा अटैक का, ये भी आप लोग का बहुत ही खतरनाक है। जनवरी 11 को उरी की मूवी रिलीज़ हुई और 14 फरवरी को पुलवामा का अटैक हुआ। 14 फरवरी को अटैक हुआ उसके सिर्फ 12 दिन बाद, 14 फरवरी को अटैक हुआ और उसके 12 दिन बाद जो है इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। और वो मुंह तोड़ जवाब जो है आप लोग का, उसको बोलते हैं सर्जिकल स्ट्राइक 2.0, सर्जिकल स्ट्राइक 2.0, सर्जिकल स्ट्राइक 2.0, जिसमें आप लोग का इंडियन एयरफोर्स ने मिराज 2001 आप लोग का फाइटर प्लेन है मिराज 2000, जो कि बहुत ही स्पीड चलती है। इसका खासियत यही है, मिराज 2000 को यूज़ करने का रीज़न यही है कि वो बहुत ही स्पीड है, और ऐसे कामों के लिए मिराज 2000 जो है वो परफेक्ट फाइटर प्लेन था, इसलिए उसके कारण जो है मिराज 2000 को यूज़ किया गया और कुछ को यूज़ नहीं किया गया। और मिराज 2000 जो है उसको डेसॉल्ट कंपनी ने बनाया है, ठीक है? कौन सी कंपनी ने बनाया है मिराज 2000 को? डेसॉल्ट कंपनी के थ्रू बनाया गया है। तो ये जो मिराज 2000 है उसने उसने क्रॉस किया आप लोग का LOC, मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसको क्रॉस किया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो लाइन रहता है उसमें लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं उसको, लाइन ऑफ कंट्रोल को जो है इंडियन एयरफोर्स ने क्रॉस करके जो अपना अटैक किया है पाकिस्तान पे। अब ये डिपेंड, आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान पे कौन से एरिया पे अटैक किया है। तो ये आप लोग का जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में आप लोग का एक प्लेस आता है बालाकोट। कौन सा प्लेस आता है? बालाकोट। बालाकोट में आप लोग के तालिबान को भी ट्रेनिंग मिल चुका है, और यहाँ पे जैश मोहम्मद लोग भी रहते हैं, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा खतरनाक आतंकवादी भी रहता है जिसका नाम यूसुफ़ अजहर है। यूसुफ़ अजहर इसलिए आप लोग का इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 1999 में जो है यूसुफ़ अजहर को इंडिया वालों को छोड़ना पड़ा, क्योंकि आतंकवादी की टीम ने इसको हाईजैक कर लिया था प्लेन को, और उस ये बोली थी कि अगर आप लोग को सब लोग सलामत चाहिए तो यूसुफ़ अजहर को छोड़िए। तो यूसुफ़ अजहर को
छोड़ना पड़ गया था। और ये जो है जब अटैक हुआ तो यूसुफ अजहर वहाँ पे थे, तो ऐसा ऐसा सोचा जा रहा है कि यूसुफ अजहर को भी मार गिराया गया हुआ होगा करके। लेकिन अभी कोई गारंटी नहीं है, अभी किसी चीज़ का पता नहीं कि कितने लोग मरे हैं कितने नहीं। काफ़ी न्यूज़ में ऐसा दिखाया जा रहा है कि 200 से 300 लोग जो हैं घायल हुए हैं, कैजुअल्टीज़ हैं, 200 से 300 कैजुअल्टीज़ हैं, घायल हुए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ हैं जो बताया गया। अब ये सबसे पहले जो है न्यूज़ में आया कैसे, सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं आप लोगों को, रात को 12 ये हुआ था आप लोगों का 26 फरवरी, 26 फरवरी जो कि 14 फरवरी के 12 दिन बाद जो है 26 फरवरी को सुबह सुबह 3 बजे, सुबह सुबह 3 साढ़े 3 बजे जो है ये हुआ है आप लोग का अटैक। इसमें जो है सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूं, एक फ़नी सा चीज़ ये है, 12 बजे जो है डिफेंस जो है पाकिस्तान की डिफेंस ने बोला कि आज सारे पाकिस्तान के जनता आराम से सो सकते हैं, एयरफोर्स जो है एकदम जगह के आपकी सेवा करने के लिए रेडी हैं, आपका एकदम पहरेदारी किया जा रहा है, तो कोई टेंशन की बात नहीं पाकिस्तान की जनता को, डिफेंस ने कहा। लेकिन 3 बजे जो है ये अटैक हो गया, तो ये बहुत ही बड़ा फनी चीज़ था, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और उसके बाद एक चीज़ और है, एक आप लोग के एक फॉरेन सेक्रेटरी जो है अपने विजय गोखले जी, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि अटैक किया गया है जैश मोहम्मद पे, एकदम बराबर आप लोग का जो है इसका जवाब दिया गया है। एक और ट्वीट आया हुआ है, सबसे पहला ट्वीट आया हुआ था आसिफ गफूर जो कि आप लोग के, उन्होंने ट्वीट किया कि इंडियन फोर्स ने वॉयलेट किया है रूल, क्रॉस किया है एलओसी को क्रॉस करके इंडियन एयरफोर्स ने वॉयलेट किया है रूल्स को, ये बताया गया है आप लोग के आसिफ गफूर जी द्वारा जो कि ट्विटर में ट्वीट किए हैं। सबसे पहले ये ट्वीट यही इन्हीं का आया हुआ है, वहां से क्लियर हो जाता है कि अटैक हुआ था ठीक है 3 बजे, तो इसका आप लोग का क्लियर हो जाता है। तो आप लोग को डेट आप लोग को पता होना चाहिए, उरी उरी आप लोग का हुआ था 2016 में, सर्जिकल स्ट्राइक 01 हुआ आपको 2016 में हुआ था। उसके बाद आप लोग का जो है उरी की मूवी कब आई आप लोग की, 11 जनवरी को आई है। उसके बाद 11 जनवरी के बाद 14 फरवरी को आप लोग को पुलवामा अटैक हुआ, वह 26 फरवरी को आप लोग का क्या हुआ है सर्जिकल स्ट्राइक 2.0, जिसमें मिराज 2000 यूज़ किया गया है और एलओसी को क्रॉस करके उनके ऊपर बम बरसाए गए हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि आप लोग का जब मिराज आप लोग का 2000 बम बरसा रहा था तभी पाकिस्तान एयरफोर्स भी उसके सामने आ गई थी, और ये पहली बार आप लोग का हुआ था 1971 में, 1971 मतलब 1971 में बांग्लादेश के समय जब वॉर हो रहा था, बांग्लादेश के लिए जब वॉर हो रहा था तब आप लोग का इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स एक दूसरे के सामने थे। और ये दूसरी बार है जब 2019 में जो है इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स सामने सामने हो गए थे, तो बम बरसा रहा था। तो बम जो है ऐसा बोला जा रहा है कि पाकिस्तान के पीएम के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है कि जो बम बरसाए गए थे वो बम किससे किसी को नुकसान नहीं हुआ है, नॉर्मल जहाँ पर खाली खाली जगह है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान नहीं हुआ है, कोई लोगों को भी नुकसान नहीं हुआ है, खाली खाली जगह पे बम बरसाया गया है। लेकिन ये चीज़ आप लोग समझ सकते हैं कि पाकिस्तान पीएम जो है अपने सेफ्टी के लिए, अपने राज के अपने अपने सेफ के लिए वो ऐसा बोल दिए होंगे, लेकिन असल में अपने इंडिया ने 200 से 300 कैजुअल्टीज़ जो हैं ये घायल किया गया है इंडिया के द्वारा। तो ये बहुत ही बड़ी जीत की बात कर सकते हैं और मुंह तोड़ जवाब हो सकता है अपना इंडिया का। और अब एक बात आता है, क्या पाकिस्तान फिर से वापस रिवर बात करेगा, मतलब फिर से पाकिस्तान जो है अटैक करेगा क्या, इसके बदले जो है मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान देने की कोशिश करेगा क्या, इसका जवाब हो जाएगा ना, पाकिस्तान इसको नहीं करेगा। क्योंकि ये आप लोग का इमरान खान जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कह दिया है कि जो आप लोग का बम बरसाया गया है उससे किसी को नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए पाकिस्तान जो है कोई डिफेंस से अपने डिफेंस से ये नहीं बोलेगा और इन्हें प्लानिंग करेगा कि फिर से अटैक करना चाहिए, क्योंकि अटैक करके उनको ही नुकसान है, उनका ही लॉस हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत सारे लोन में चल रहे हैं, बहुत सारे पैसे में लॉस चल रहा है, और अगर ये वॉर में पड़ गए तो उनका और लॉस बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ सोच के वो अपना अटैक जो है वो कैंसिल करेंगे, वो अटैक नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा बोल सकते हैं कि पुलवामा अटैक जो है उसका मुंह तोड़ जवाब इंडिया ने दिया, लेकिन मेरे तरफ से तो एक ही चीज़ है कि ना अटैक होना चाहिए ना अटैक का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तो जो चीज़ होना चाहिए पीस होना चाहिए, पीस होना चाहिए, पीस से होना चाहिए हर चीज़, आप बोल के बोलिए वो ज़्यादा अच्छा है, आतंकवाद को पूरा ख़त्म करना ही बेटर है, ऐसा नहीं कि मुंह तोड़ जवाब दे दिए बहुत अच्छा काम कर दिए, नहीं आना ही नहीं था, कोई अटैक होना ही नहीं था, पुलवामा अटैक जो हुआ है वही नहीं होना था, जो आतंकवाद किया गया वो संगठन को ही ख़त्म करना वो इंपॉर्टेंट है, ना कि मुंह तोड़ जवाब दे के उसको हम लोग कुछ बता रहे हैं, मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं तो वो ऐसा है कि अगले साल फिर से उन लोग का जो है उन लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर जहां से चीज शुरू हो रही है अगर उसी को बंद कर दें, उसी को खत्म कर दें जड़ से, तो आप लोग का जो है बहुत फायदा हो जाएगा। तो मेरी तरफ से तो एक ही चीज है कि जो अटैक कर रहे हैं उनको खत्म करना है, ना कि मुंह तोड़ जवाब देने से आपका काम बंद नहीं हो जाता है, आपका काम कंटिन्यू रहता है ठीक है, मुंह तोड़ जवाब अगली बार भी देना पड़ेगा, लेकिन अभी जो है एक ही फोकस करना चाहिए कि जो ये सारे संगठन हैं जो भी आतंकवादी संगठन है इसको खत्म करने के लिए पूरे देश पूरे वर्ल्ड को एक साथ मिलकर कुछ करना चाहिए।
चलिए, हम आपको काफ़ी कुछ आप लोग को सीखने को मिला होगा, तो ये सारा चीज़ यार सारा चीज़ जो आप लोग एक बार फिर से सुन के इसका जो नोट्स बना लीजिए, एक बार आप लोग सुन लिए हो, एक बार सुनने के बाद आप लोग को समझ में आ गया होगा, अब धीरे से एक बार दूसरी बार सुनते हुए एक नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स में आप लोग अपना इस ज़्यादा ज़्यादा आप लोग का 2-3 पेज का नोट्स बनेगा, इस नोट्स को आप लोग एकदम सुन लीजिएगा। एक चीज़ और मैं बता दूँ, जो आप लोग का ये अटैक हुआ था उसमें जो पुलवामा जो अटैक हुआ था इसका आवाज़ इतना ज़्यादा था कि 10 किलोमीटर तक दूर तक भी इसका जो है आवाज़ सुनने को मिला था, ऐसा सुनने में बताया जा रहा है। ठीक है, ये सारा चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए जब आपको इंटरव्यू में बोलेंगे, तो ये सारा चीज़ अगर आप लोग बोलते हो तो सामने वाला बहुत इंप्रेस हो जाएगा, और सामने वाले जो आईबी के ऑफिशियल्स बैठे हैं उनको ये समझ में आ जाएगा कि यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन करंट अफेयर्स एंड जो आपके देश में हो रहा है वो आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट है। तो करंट अफेयर्स में आता है ये चीज़, तो इसको आप लोग को पता होना चाहिए और अच्छे से आप लोग को सीखना चाहिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और आप लोगों ने अपने नोट्स तैयार कर लिए होंगे। तो ये जो इंटरव्यू का सेशन है वो रेगुलर चलेगा। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो तो सब्सक्राइब कर ही चुके हैं, अगर नहीं किए हो तो फिर से कर लीजिए। जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं, चैनल के नीचे आप लोग को जैसे ही आप लोग वीडियो देखोगे उसके नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दीजिएगा, एंड उसके बगल में आप लोग का बेल बटन है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन जैसे ही आप लोग को कोई वीडियो आता है तो तुरंत नोटिफिकेशन आप लोग के मोबाइल में आ जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड खुश रहिए एंड एग्जाम की तैयारी करते रहिए। ऑल ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स।